रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है जो कि स्टेटस वीडियो में। तो गाइस, जो कि कैसे क्या एडिटिंग करना है, जो कि माता रानी की स्टेटस वीडियो, इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग जो कि वीडियो लाता रहता हूँ माता रानी की। तो चलते हैं काइंड मास्टर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हसमुख टाइप की अपन स्टेटस वीडियो बनाएंगे और सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो मैं कुछ इसमें लगाऊंगा। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेना है काइंड मास्टर। ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको प्लस के आइकन क्लिक कर लेना है। प्लस के आइकन क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको 916 का फ्रेम चूज कर लेना है। 916 का फ्रेम चूज करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद गाइस, यहां से आपको वो पूरी प्रोसेस चालू करना है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसकी आप वो वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि मैं आपको इस हसमुख माता रानी का स्टेटस वीडियो जो कि मैं बनाऊंगा, इसका फोटो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए कैसे क्या एडिटिंग करना है, इसके बारे में फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके बाद क्या करना है, आपको यहां से सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, एडिटिंग पर क्लिक करना है। एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस फील्ड पर क्लिक करके और बैक जाना है। देखाने के बाद क्या करना है, सब आपको वो इमेज फोटो चुन लेना है जिसकी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैं वो माता रानी के स्टेटस वीडियो जो फोटो चुन लूंगा, और गाइस इसमें वीडियो भी एडिटिंग करना सिखाऊंगा, बीच बीच में वीडियो कैसे क्या लगाना है। तो अपन पहले वो फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे कहीं चार कुछ फोटो है माता रानी के, ठीक ना, तो देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वो सॉन्ग अपने हिसाब से कोई सा डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माता रानी का, जो कि मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड कर रखा। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आपको दे दूंगा। तो आपको क्या करना, सॉन्ग डालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इस म्यूजिक ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप फोटो म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो अपन पहले वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉन्ग लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, देख सकते हो अपन ने फोटो सेलेक्ट अभी कर लिए। तो गाइस, आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक, जैसे प्लस का आइकन दिख रहा है मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके रखना। और इसके बाद क्या करना, फिर से आपको मीडिया ऑप्शन पर जाना है। मीडिया ऑप्शन पर जाने के बाद क्या करना है, मैंने जो कि एक वीडियो डाउनलोड कर रखा है, तो आप वो कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदर गाइस, आपको बिटमेट से डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप कर सकते हो, ठीक ना। अदर और भी वेबसाइट से कोई से डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो, मैं इस वीडियो का ये वीडियो मैंने डाउनलोड कर रखा। तो आपको क्या करना, जैसे कहाँ से आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक ना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्कैनिंग ऑप्शन पे जाना, और आपको पहले लेफ्ट साइड का ऑप्शन काट देना। अब इसके बाद करना, अगर इसको जूमिंग करना चाहते हो तो करना, इस आपको इस वीडियो क्लिक करके पकड़, सॉरी इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस पेन एंड जॉइंट का इस पे क्लिक करना, और इसके टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद करना, इसको दोनों उंगली से आपको खींच के ऐसे जूमिंग कर देना, ठीक ना। तो आपका क्या होगा, पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। पूरा स्क्रीन पर जाने के बाद करना, इस आपको यहाँ से देख सकते हो, इतना अपना कंप्लीट हो रहा है। इतना कंप्लीट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से इस वीडियो को देख लेना है, आपको कटिंग कहाँ से करना है। पहले अपन इस वीडियो को यहाँ से इतना कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हो, मैंने इतना यहाँ पे रखूँगा और इस कैंची का ऑप्शन क्लिक करूँगा। कैंची का ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या लिखा है, स्प्लिट एड प्ले हेड, तो इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते कि हम आपके वीडियो को दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट होने के बाद क्या करना है, आप इस वीडियो को आपको इधर ले जाना है, ठीक ना। तो आपको इस फोटो को आपको देख लेना है, गाइस आपको कौन से फोटो के बीच में लगाना है। तो देख सकते हो, मैं लास्ट में ले आया हूँ। अदर गाइस, आप बीच में भी लगाना चाहते हो बीच में भी लगा सकते हो, ठीक ना। तो मैं इसको लास्ट में ले आया हूँ, जो कि अपना एक यहाँ पे हो गया, इसके अदर गाइस एक यहाँ पे हो गया, जो कि जो फोटो आएंगे। और इसके बाद ये वीडियो अपन यहाँ बीच में लगाते हैं, तो अपनी वीडियो अच्छी लगेगी। तो देख सकते हो, मैंने यहाँ पर उठा रखा था, वीडियो अपनी अच्छी लग रही है। जो कि अगर आपको लगता है फालतू पार्ट है वीडियो में, तो आप कुछ डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से क्लिक करके, और लेफ्ट साइड फिर से काटेंगे, जो कि अपन यहाँ से इतना रख लेते हैं। इतना रखने के बाद फिर से इसे क्लिक करेंगे, और आपको इस कैंची का ऑप्शन क्लिक करके, और आपको फिर से प्ले ऐड एट लिस्ट करके, और आपको इस वीडियो को लास्ट में कर देना है। तो देख सकते हो अपना, मैं अब थोड़ा वीडियो आपको चला के दिखाऊंगा गाइस, जो कि अपन ये वीडियो को ज़्यादा है, तो आपको 30 सेकंड का कर लेना है, आपके हिसाब से आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। तो देख सकते हो अपना कुछ वीडियो अभी ऐसा चलेगा। ऐसा चलने के बाद क्या होगा, यहाँ से अपनी वीडियो दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप क्या करना गाइस, अपन ने इसमें म्यूजिक ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं इसका म्यूजिक म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि अपन इसमें अदर म्यूजिक लगाएंगे। तो अब इसके बाद करना है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट लगाने हैं, ताकि आपकी वीडियो अच्छी लगे जब भी निकले जब, ठीक ना। तो इस सभी प्लस के आइकन क्लिक करके, और आपको इफेक्ट पे क्लिक करके, और इस पर यहाँ से जूम आउट आया, अदर कोई से भी आप बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हो। तो इनमें लगा के करूँगा, इससे क्या होगा, आपकी जैसे भी कोई फोटो अदर चेंज होगा, तो आपकी वीडियो ऐसी लगेगी जैसे कि बहुत अच्छी टाइप की, ठीक ना। तो इसलिए मैं ये लगाना दिखा रहा हूँ। अदर गाइस, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन उससे अपनी वीडियो कुछ जमेगी नहीं, इसलिए इसमें ये प्रोसेस करना जरूरी है। तो देख सकते हो, मैंने ये कर दिया। तो अपना ये सभी फोटो अब दिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें इफेक्ट वगैरह लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, फिर से लेयर पे जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना है, इस यहाँ से आपको वो इफेक्ट चुन लेना है, जो कि मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो पहले अपन ये इफेक्ट चुन लेंगे। इसके बाद क्या करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके आपको इसका फुल स्क्रीन करके, और इस पर नीचे जाना है, ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा आपको इसमें काइंड मास्टर में। तो गाइस, अगर आपको काइंड मास्टर यूज़ करना नहीं आता है, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा, और इसके अदर गाइस मैंने डाउनलोड करना भी दिखा रखा है, विदाउट बेटर मार्क काइंड मास्टर कहाँ डाउनलोड कर सकते हो, तो वो वीडियो देख के आप कर सकते हो। तो आपको इसका स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो अपना ये इफेक्ट लगा है।
अब इसके बाद क्या करना है, इफेक्ट लगाने के बाद क्या करना है, एक और अपन इसमें इफेक्ट लगाएं। फिर से आपको लैब जाना, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद गाइस क्या करेंगे, अपन एक और इफेक्ट लगाएंगे, उससे अपनी बहुत मस्त वीडियो लगेगी। तो आपको ये वाला इफेक्ट और लगा लेना। तो आपको सेम प्रोसेस कर देना, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके और इसका फुल स्क्रीन कर देना, और नीचे जाना ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और आपको इसका भी स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद देख सकते हो गाइस मैं आपको वीडियो चला के दिखाऊंगा, जो कि अपनी कुछ वीडियो कैसी लग रही है और बहुत अच्छी अपनी वीडियो लगेगी, जहाँ तक है आपको वीडियो पसंद आएगी, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे कुछ फोटो को आप छोटा करना चाहते हो, फोटो क्लिक करके फोटो छोटा कर सकते हो। तो देख सकते हो अपनी कुछ वीडियो बहुत अच्छी लगने लगी, जो कि ऐसे कुछ फोटो चाहिए, जो कि इस वीडियो अपनी स्टार्ट होगी वीडियो में, और जो कि कुछ इसके बाद फिर से अपने फोटो आ जाएंगे। और इसके बाद क्या करना, इसे यहाँ से आप म्यूजिक भी डाल सकते हो, आपके मनपसंद कोई से डाउनलोड करके भी डाल सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट में सुना रखा था। तो मैंने वो म्यूजिक डाउनलोड करके यहाँ से इस पर क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके कोई सा म्यूजिक डाल सकते हो। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, जो कि इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू। गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के